सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली एनएच 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों को बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ, बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। राज्य में बढ़ते अपराध के खिलाफ महागठबंधन के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय में किया प्रदर्शन। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में नीतिश्वर कॉलेज में एक और मुन्ना भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि 8वीं पास स्नातक चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार। तो ये थी आज की सुर्खियां खबरें विस्तार से। राज्य में बढ़ते अपराध के खिलाफ महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर समाहरणालय में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपराध की घटना को मुद्दा बनाकर बिहार में विपक्षी दलों ने मिलकर आज शनिवार को जिला समाहरणालय में प्रतिरोध मार्च निकाला है। महागठबंधन के कई कद्दावर नेता भी सड़क पर उतरे हैं। जिला में बड़ी तादाद में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, वहीं भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन में कई कद्दावर नेता भी शामिल रहे। राजद ने इस मार्च को लीड किया, जबकि कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के भी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। जिला में कांग्रेस नेता अरविंद कुमार मुकुल ने मार्च करने के दौरान कहा कि विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, अपराध पर हर हाल में नियंत्रण हो। जी बिल्कुल, आज प्रतिरोध विरोध मार्च जो हम लोग निकाल रहे हैं सरकार के प्रति, एनडीए सरकार के प्रति, जो विगत 19 वर्षों से यहाँ पे काबिज है बिहार प्रदेश में, और कोई भी कार्य करने में अपना जो है मन व्यवहार नहीं लगा के कर रही, जिसके कारण आज जो है आपराधिक घटनाएं प्रदेश में इतनी बढ़ गई है। लूट, चोरी, डकैती की घटनाएं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इससे उनको निजात नहीं मिलने जा रहा। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार गद्दी पे बैठे हुए हैं, इसीलिए आज हमारी जो महागठबंधन की यहाँ पे रैली हुई, आक्रोश रैली हुई, तो इसमें हम लोगों ने पूर्ण रूप से जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जनता के मुद्दों के लिए हमने आज ये रैली निकालने का काम किया है, ताकि ये जो गूंगी बहरी सरकार है अपराध नियंत्रण का काम कर सके। लूटपाट घटनाएं, ऐसी ऐसी घटनाओं के ऊपर, जमीनी विवाद के कारण घटनाएं हो रही हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर रोकथाम कर सके। ऐसी कोई ना नीति लाते हैं, ना सुझाव देते हैं, बिहार की प्रदेश को ऐसी आग के झकोरे में धके रखा। पिताजी का भी हत्या कर दिया जाता है, देखिए मुकेश सहनी जी की जो पिताजी की हत्या हुई है, उसके लिए जो है दिल बहुत मर्माहत है और बहुत दुखी भी है कि कैसे एक इतने बड़े व्यक्तित्व और इतने सीधे साधे साधारण व्यक्तित्व थे जीतन सहनी जी, और उनका जो है इतनी बर्बरता के साथ हत्या कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पुलिस संज्ञान और प्रशासनिक संज्ञान दिया गया है कि ये सूद ब्याज के ऊपर ऐसे मामले थे, इस संबंध में मुकेश सहनी जी ने एक बात कही है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति हंसे नहीं। और आज जिस तरह से प्रशासन ने एक बात वहाँ रखी है कि इस व्यक्ति के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, तो अन्य व्यक्ति लोग कहाँ हैं, आपका मर्डर वेपन कहाँ है, इन सब चीज़ों के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो उसी संबंध में मुकेश सहनी जी का कहना है कि कोई निर्दोष व्यक्ति न फंसे, ऐसे व्यक्तियों को सजा न हो जाए कि जो विपक्ष जो है किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है। देखिए, आज हम इंडिया महागठबंधन के सभी पार्टी सारे आज आक्रोश मार्च निकाला गया है, और ये जिस तरह से हमें पता चल रहा है आप ही के माध्यम से, चाहे वो डिजिटल हो, न्यूज़ हो, या फिर मैगजीन्स हो, या फिर न्यूज़पेपर्स हो, सोशल मीडिया हो, कि जिस तरह से बीते टाइम पे बिहार राज्य में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं, चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो, या फिर लूट डकैत हो, वो अपने शर्म सीमा पे हैं। और ये जो है इसे पता लगता है कि पूरी सरकार जो है विफल हो चुकी है और मौन एकदम बैठ के देख रही है, तमाशा देख रही है। इतने ज़्यादा मतलब अपराधियों को उन्होंने शरण दे रखी है कि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा पिस रहा है कोई, तो वो है आम जनता। पहले ही आम जनता है बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त है, और ऊपर से आज अब ये जनता अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह की आपराधिक घटनाएं पिछले दिनों हमने देखने का मौका मिला है कि लोग अपराधी जो है घर में घुस के मार रहे हैं, चाहे वो मुकेश सहनी जी के आदरणीय पिताजी हों, उनकी जिस तरह से हत्या हुई है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो महिलाएं हों, छोटी बच्ची हों, या फिर युवा हो,
या कोई नौजवान हो, छोटी छोटी बात में गोलियां चल रही हैं। तो मैं एक विपक्ष को कहना चाहूंगी, सरकार को कहना चाहूंगी कि आपने बहुत नारे लगाए कि जंगल राज पर 19 साल से नीतीश जी आपकी सरकार है, तो जहां आप शासन कर रहे हैं उनकी गतिविधि अगर आप विफल है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। पास्ट में कब तक हम बात करेंगे, हमें आज प्रेजेंट और फ्यूचर का हमने देखना है। आप ये पास्ट याद करवा करवा के आप अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने नहीं भाग सकते हैं। आम जनता ने आपको इतनी बार मौका दिया, घटना बलात्कार की घटनाएं हो रही है, बैंक में लूट हो रहा है, तमाम बिहार में गुंडा राज कायम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जहां बिना रिश्वत का कोई काम होता है। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोगों ने फैसला लिया है कि बिहार वासियों के लिए इंडिया गठबंधन आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च करके यह निरंकुश शासन को कैसे समाप्त हो और राष्ट्रपति यहां शासन लागू होना चाहिए। जिस तरीके से गुंडा राज और भ्रष्टाचार कायम है, सारा पूरा बिहारवासी त्रस्त है, शासन नाम का कोई चीज नहीं है, अफसरशाही चरम सीमा पर है, जनप्रतिनिधियों का कोई कदर नहीं हो रहा है। सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि जो जंगल राज वाले हैं वो केवल हल्ला करते हैं, उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है कानून व्यवस्था पे सवाल उठाने का। मंगल राज वाले को बिहार की जनता अमूमन 2 दशक मौका दिया है, तो ये क्यों नहीं मंगल राज रह रहे हैं, तो गुंडा राज कायम कर दिए है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सुबह उठिए अखबार पढ़िए, हर जिले में कहीं न कहीं एक पुल गिरा हुआ मिलेगा। हत्याएं, लूट, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और भ्रष्टाचार शरम सीमा पर है। हम उनसे जानना चाहते हैं वो इसको कौन राज, महाजंगल राज की गुंडा राज कहेंगे, वो बता। सरकार के कान में जो तेल डाला हुआ निकल पाएगा, एकदम निकलेगा। आप देखे कि जब अल्टीमेटम दे दिया गया सारे परसों, हम लोग सभी बिहार में सभी महागठबंधन के जिला अध्यक्ष बैठक करके आह्वान किया गया, और बिहार में भी राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी सारे पार्टी के प्रमुख नेता होकर ऐलान किए। कल नीतीश जी इसी के डरे हुए कल जो है कि हाई वोल्टेज जो है मीटिंग किए पूरा लाइन ऑर्डर पर। अगर यह सरकार जो है कि हत्यारी सरकार है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि बिहार में, खासकर हम मुजफ्फरपुर में पत्रकार की हत्या हो जाती है, 26 वर्ष के संस्कृति वर्मा पर गोलीबारी होती है, और कोई ऐसा दिन नहीं है कि कोई प्रखंड में 3-4 हत्या नहीं हो रही है, बलात्कार नहीं हो रहा है, लूट और डकैती नहीं हो रहा है। आप देखें ये कटरा में जो है कि सरकार बोलती है ना 2005 से क्राइम, ठीक है, क्रिमिनल और कॉर्निज्म, करप्शन और कॉर्निज्म, इससे हम समझौता नहीं करते। आप देख लो कि कोई ऐसा दिन है जिस दिन किसी भी जिला में 5-7 जो है हत्याएं नहीं होती हो, डकैती नहीं होता हो, बलात्कार नहीं होता हो, भ्रष्टाचार का बात करता है लोग। दर्जनों पुल जो 300 करोड़ 400 करोड़ के लागत से पुल जो बना, वो पुल जो है या तो उद्घाटन के पहले गिर गया, नहीं तो उद्घाटन के बाद गिर गया। भ्रष्टाचार नहीं है, नीतीश कुमार जी की नज़र में भ्रष्टाचार नहीं है, बलात्कार हो रहा है हर जिला में हो रहा है, क्राइम नहीं है। और उसके बाद घुसखोरी, एक चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक घुसखोरी में लिप्त है, उसके बाद भी कहता है सुशासन है। और जो जनता का राज था 1990 से लेकर 2005 तक, उसको क्या कहता है, जंगल राज। मैं कहता हूं कि अभी ये कठपुतली की जो सरकार है, और इस कठपुतली की सरकार में माफियाओं के द्वारा इस सरकार चल रही है। और बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में नीतीश्वर कॉलेज से एक और मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रशासन की लाख सख्ती के बाद भी सॉल्वर गैंग की धांधली थमती नजर नहीं आ रही। मुजफ्फरपुर में नीतीश्वर सिंह कॉलेज प्रशासन ने फिर से एक बार मुन्ना भाई को पकड़ा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी हाजीपुर के प्रत्याशी की जगह दूसरे युवक को परीक्षा देते इसी परीक्षा केंद्र से पकड़ा गया था। मुजफ्फरपुर जिले में शनिवार को बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन फिर से एक मुन्ना भाई धराया, जो दूसरे छात्र की जगह फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दे रहा था। एग्जाम शुरू होने के मात्र 30 मिनट बाद पटना के अधिकारियों द्वारा मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर सिंह महाविद्यालय परीक्षा केंद्र को बताया गया कि आपके परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी की बायोमेट्रिक जांच मैच नहीं हो रही। इसके बाद केंद्र पर अफरा तफरी मच गई और परीक्षा केंद्र पर पहुंचे सभी परीक्षार्थियों की जाँच शुरू कर दी गयी,
जांच में यह पता चला कि अभिषेक कुमार नाम के छात्र की जगह पर राजीव कुमार नाम का लड़का परीक्षा दे रहा है। सेंटर सुपरिटेंडेंट ने बताया कि रोहतास के एक परीक्षार्थी अभिषेक कुमार की जगह पर राजीव कुमार नाम का फर्जी परीक्षार्थी नितीश्वर सिंह महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहा है। बायोमेट्रिक मैच नहीं होने पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि वह अभिषेक की जगह पर परीक्षा दे रहा है। फिलहाल उसे मिठनपुरा थाना पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। इम्पर्सोनेशन का केस आया है और उसमें एक बच्चा जो अभिषेक कुमार की जगह पे बैठ गया था और परीक्षा दे रहा था, उसने अपना नाम राजीव कुमार बताया है। वो प्रतापगंज राजपुर थाना राजपुर जिला रोहतास का रहने वाला है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो यहाँ पे पोस्टेड थे, दो स्टैटिक मजिस्ट्रेट, उनकी सहायता से उनको थाने को सुपुर्द कर दिया गया और वो अग्रतर कार्रवाई के लिए उनको थाने ले गए। 40 वर्षों से सावन के प्रत्येक सोमवार को बाबा का जलाभिषेक करने वाली कृष्णा बम देवघर के लिए रवाना हो गई। कारण भगवान भोलेनाथ की भक्त कृष्णा बम पिछली बार बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण नहीं कर पाई थी, पर एक बार फिर शनिवार को कृष्णा बम सुल्तानगंज से रविवार को जलबोझी कर सोमवार को बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करेगी। शनिवार को भगवान भोलेनाथ की भक्त कृष्णा बम भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सुल्तानगंज के लिए रवाना हो गई है। कृष्णा बम का कहना है कि घुटना टूटा है, उत्साह नहीं। देवों के देव महादेव का अत्यंत प्रिय महाश्रावण की बात हो और सुप्रसिद्ध कृष्णा माता बम की बात ना हो तो यह हो ही नहीं सकता। पिछले 40 वर्षों से बाबा बैद्यनाथ पर डाक बम कर जलाभिषेक करने वाली भक्त कृष्णा बम को लेकर यह मान्यता है कि इन पर महादेव की विशेष कृपा है। 72 वर्षीय कृष्णा बम इस वर्ष 41वीं बार महादेव का जलाभिषेक करेंगी। मुजफ्फरपुर जिले की निवासी 72 वर्षीय कृष्णा माता बम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वह प्रतिवर्ष श्रावण माह की हर सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ और अन्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करती है। वर्ष 1976 में पहली बार बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक करने के बाद कृष्णा बम ने 1982 से लेकर 2022 तक लगातार डाक बम के रूप में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करती आई है। वर्ष 2023 में कार दुर्घटना में पैर टूटने की वजह से वह नहीं जा सकी थी, किंतु भोले के प्रति आस्था ने उन्हें एक बार फिर से खड़ा कर दिया है और एक बार फिर वह सुल्तानगंज के लिए निकल गई है। पहली सोमवारी में देवघर के बाद दूसरी सोमवारी में ओंकारेश्वर और फिर आखिरी सोमवारी में महाकाल मंदिर में जाकर जलाभिषेक कर आशीर्वाद लेगी। कृष्णा माता बम का कहना है, मैं कुछ नहीं करती, बस महादेव सब कुछ करवा देते हैं। कृष्णा बम का कहना है कि जीवन के सबसे बड़े और अद्भुत क्षण में से एक कैलाश पर्वत का दर्शन करना और मानसरोवर का दर्शन करना रहा। वर्ष 2019 में कृष्णा बम भारत सरकार की अनुमति के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर से 180 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित कटास राज मंदिर महादेव का दर्शन पूजन भी कर चुकी है। कितने वर्षों से ये 41 वर्ष हो गए जाते जाते और फिर इस बार तैयारी हो गई है और बाबा की कृपा से अब जैसे पहुंचा ले बाबा, अभी मैं घर से निकल रही हूँ और बाबा के जल चढ़ाने, बाबा बैद्यनाथ के जल चढ़ाने के बाद फिर मेरा महाकाल के लिए प्रस्थान होगा, क्योंकि इस बार हर जगह जा कर के जल चढ़ाना है, फिर तारकेश्वर भी जाना है, महाकाल नर्मदा से जल लेकर के फिर पैदल उज्जैन के लिए जाऊंगी, वहाँ चढ़ाऊंगी। वहाँ चढ़ाने के बाद बाबा की कृपा से जैसी यात्रा पूरी होती जाएगी मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, सावन भर जल चढ़ाते रहूंगी। अभी तक मैं दंड प्रणाम करके बाबा बैद्यनाथ भी एक महीने में पहुंची हूँ और गंगोत्री से रामेश्वरम, हरिद्वार से बाबा बैद्यनाथ, पाकिस्तान का राज जी महाराज,
मानसरोवर कैलाश की यात्रा, अमरनाथ बर्फानी साइकिल से 12 बार वैष्णो देवी की यात्रा, कामाख्या जी की साइकिल से यात्रा, ये सब मेरा पैदल और साइकिल यात्रा दर्शन हुआ। जनकपुर माता का धाम भी मैं साइकिल से गई। पहलेजा से सोमेश्वरनाथ अड़ेराज महाराज भी मैं डाक कांवर चढ़ाई, दो वर्ष चढ़ाई, उसके बाद नहीं गई। पैदल यात्रा ही जहाँ जहाँ हुआ, कैलाश की चढ़ाई भी मैं पैदल ही चढ़ी थी, सभी घोड़ा किए थे लेकिन मैं पैदल चढ़ गई थी। तो ऐसी मेरी पैदल यात्रा सब जगह होती रहती है और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया। पूरे कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पूरे परिवार को 12 ज्योतिर्लिंग करा दूँ। 6 ज्योतिर्लिंग सब कर चुका है, 6 ज्योतिर्लिंग और कराऊंगी। मेरी आस्था में शिव भक्ति ही सबसे मेरा हृदय में परम स्थान है, क्योंकि यह अपने पुराणों के अनुसार भगवान शिव ही निराकार ब्रह्म है, निराकार ईश्वर है, हर नाम से जाने जाते हैं। उनकी पूजा ही सनातन धर्म अवलंबी को अनिवार्य है और ओम नमः शिवाय मंत्र सबको करना चाहिए। और शिवलिंग छोटा मेरे घर में भी है, हर आदमी को रखना चाहिए और उसके बाद जो पूजा पाठ संभव हो करे, लेकिन शिवलिंग ही मेरे ईश्वर का प्रतीक चिन्ह है, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं, लिंग एक उनका चिन्ह है। जो प्रमाण में कैलाश में एक स्वतः बाबा कैलाश का शिवलिंग अवस्थित है। तो पिछले साल जो स्वास्थ्य कारणों से श्रीगंज के कारण आप जलार्पण नहीं कर पाएंगे, तो अभी तक तो पैदल कट कर देते हैं, इस बार जो गाड़ी है तो इस बार गाड़ी घुटना मेरा फ्रैक्चर हो गया था, स्टील लगा था पिछले साल, स्टील निकल चुका है, लेकिन अब बाबा जाने ये घुटना में थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब शिव की कृपा जैसी बरसेगी मैं जाऊंगी। समानालय में आत्मदाह करने वाले मृतक के परिवार की मदद करने पहुंची सामाजिक कार्यकर्ता बबली साहू। आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से एक जरूरतमंद परिवार, जिसके मुखिया जिनका नाम बिंदालाल गुप्ता था, जो अभी हाल फिलहाल कोर्ट परिसर में कानून के सामने आत्मदाह कर लिए, उसके बाद उस परिवार के पास गए तो कितने लोग, पर उसकी मदद किसी ने किसी भी तरह से नहीं की। फिर उस परिवार के एक सदस्य ने हमारे संस्था से कांटेक्ट किया और अपनी बातें रखी। फिर हमारी संस्था ने पहले तो उसकी प्रेजेंट स्थिति को देखते हुए उस परिवार को 1 महीने की राशन दी, जैसे चावल, आटा, नमक, दाल, आलू, प्याज और चूड़ा दी गई। साथ में हमारी संस्था के तरफ से उस मृत की पत्नी को ये आश्वासन दिया गया कि उसकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जिन कारण उस परिवार की कंडीशन हुई, उस सब के साथ डीएम और एसएसपी से मिलेगी हमारी संस्था, ताकि उस परिवार की कंडीशन सही हो जाए। मौके पर संस्था के अध्यक्ष रानू गुप्ता, कोषाध्यक्ष डॉक्टर बेनू वर्तिका, सदस्य मीरा जायसवाल और संस्था की संयोजक बबली कुमारी उपस्थित थी। सर, हमारे मालिक साहब तो चल गए, लेकिन डीएम ने बहुत बड़ा, सीओ ने भी बहुत किया, कुछ नहीं कर रहा है। लोग आ रहा है दूरा पर, भाषण दे दे के सब चला जा रहा है, सब नेता लोग आए, सब चले जा रहे हैं, कुछ हमारा परिस्थिति सुनवे नहीं करते हैं, न समझते हैं। सर, हमारा हमको चाहिए मुआवजा चाहिए, बच्चा को नौकरी चाहिए, जमीन चाहिए, कुछ सुनवे नहीं। जो छिछला संघर्ष किए हैं, कुर्बानी दिए हैं, कुछ नहीं हो रहा है हमारे लिए। एक छोटा मोटा फुटपाथ पे दुकान पे रहते थे, उसी से गुजारा हमारा चलता था परिवार। इस समय कुछ हमारा कोई परिस्थिति है, सब खराब हो गया है सर, कुछ नहीं, कोई देखने वाला सर नहीं है हमारा। सब कैसे चल रहा था बहुत दिन, 2014 से चल रहा है सर ये मामला। डीएम साहब को लिखे थे? हाँ, सब दिए, कागज दिए थे डीएम के पास, वो भेजते थे कलेक्टर के पास, कलेक्टर वहाँ हाँ कहाँ सीजीएम के पास गए थे, फिर उसके पास सीओ भेज दिया, थाना भेज दिया, सीओ ने पैसा मांगा 20,000 रुपया लाइए, इस थाना वाला भी ने पैसा मांगा, कई बार दिए हैं 5,000 में सुनने वाला है, नहीं सुनता, जाते थे भाग आते थे, और पैसा चाहिए। परेशान हो गए, बहुत परेशानी, बहुत परेशानी सर, बहुत तबाह हो गए थे एकदम। तब जाके कई बार कहे हैं कि अगर नहीं सुनवाई दे रहे हैं तो इसी जगह आत्मदाह करेंगे, या धरना धरेंगे, बता दिए हैं धरना धरेंगे इसी जगह, आत्मदाह कर लेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जब पदाधिकारी सब गए आत्मदाह करने के बाद, क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, हाँ खाली काम हम करा देंगे बस, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई जा रहा है दूर, आप भाषण देकर चले आ रहे हैं, हम करवा देंगे, लेकिन नहीं हो रहा है सर, हमने गिरफ्तार वो भी नहीं हुआ, और न मतलब हमको कुछ दे रहे हैं, न कर रहे हैं। इन लोगों की तरफ से मदद दिया गया है? हाँ जी, हम लोग अपने संस्था की तरफ से एक पीड़िता है जो अभी हाल फिलहाल में कोर्ट में जो आत्मदाह किए हैं,
और उनके तरफ से हमारे पास एक कॉल आया कि उनकी स्थिति परिस्थिति इतनी अभी दयनीय हो गई है कि लोग उस हादसे के बाद लोग उनके यहाँ जा रहे हैं और मिल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं, बट उनको कोई अभी तक मतलब संतावना भरा जवाब मिल नहीं रहा है, कुछ उनको हेल्प मदद उनसे मिली नहीं है। तो फिर उन लोगों ने हमसे कॉन्टेक्ट किया और हमारी संस्था ने उनको हाल फिलहाल में अभी जो उनकी स्थिति है कि सब अच्छे से नॉर्मल हो जाए घर में, तो उनके लिए हमारे संस्था की तरफ से कुछ राशन पानी उनको दिया जा रहा है और इसके बाद इनकी परेशानियों को ले करके DM और SSP से हमारी संस्था जो है इनके साथ उनसे मिलने वाली है ताकि इनकी स्थिति जो है में सुधार आए। और जो इनके घर में अभी जो पैसों की या मतलब आर्थिक स्थिति जो उनके मौत के पीछे कोई जिम्मेदार है तो भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट CEO अंचल कांटी और हमारे जो कचहरी में जो बड़ा बाबू बैठते हैं वो सबसे बड़ा मौत का जिम्मेदार वही है। अगर हत्या का आरोप अगर किसी पे लगना चाहिए तो इन भ्रष्ट अधिकारियों पर नहीं लगना चाहिए। उनके मौत का नतीजा उनके सताए हुआ नतीजा है कि वो दौड़ते दौड़ते कचहरी का 10 साल से चक्कर काट रहे हैं, सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रहा था, इंसाफ नहीं मिल रहा था। जब भी जाते थे वो 10 तारीख को आइए, 20 तारीख को आइए, 15 तारीख को आइए, महीनों आइए, इस तरह से वो लगभग 10 साल से कचहरी से घर, घर से कचहरी, CEO के ऑफिस से, थाना के ऑफिस से घर दौड़ते दौड़ते तबाह होकर के उकछा करके, और जो व्यक्ति 5 आदमी जो इस पे कब्जा किए हुए था, पप्पू राम, संजय राम, नवल राम, ये 5ों व्यक्ति रास्ता में घेर करके उनको टॉर्चर करता था, कहता था बाबा 2 लाख रुपया लो और ये ज़मीन हमको दे दो, नहीं तो 50,000 रुपया में इस ज़मीन को तुम छोड़ के चले जाओ, जान से मारने का धमकी देता था। उस सब से उब करके वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। तो इसका जिम्मेवार अगर कोई है तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ CEO और हमारे बड़ा बाबू जो कचहरी में बैठते हैं, जो तारीख पे तारीख देते थे। भगवानपुर रिवर रोड पर दुकान लगाने के विवाद में जमकर मारपीट हुई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। शनिवार को सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर गेट के पास दुकान लगाने को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें माँ बेटे जख्मी हो गए। घायल रोहित कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। घायल रोहित और उसके भाई रंजीत कुमार ने बताया कि पिछले कई वर्षों से यादव नगर गेट के पास उनकी चाय नाश्ते की दुकान है। शनिवार को शत्रुघ्न पासवान सड़क पर अतिक्रमण कर फल की दुकान लगा रहा था। रोहित की मां मंजू देवी जब उसे मना की तो शत्रुघ्न गाली गलौज करने लगा। गाली देने से मना करने पर शत्रुघ्न वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद एक दर्जन लोगों के साथ रोहित की दुकान पर पहुंचा और दुकान में तोड़फोड़ के बाद मंजू देवी को मारने लगा। मां को बचाने पहुंचे रोहित को रॉड से मारकर जख्मी कर दिया। बचाने के लिए आए रंजीत के साथ भी मारपीट की गई। घायल रोहित का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर सदर थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज, मामले की जांच की जा रही है। आगे ठेला लगाता है, वो गाली में बगने लगा, एम्बुलेंस लगा, हटा 10-15 लोगों निकल लेके आया, मम्मी को मारपीट किया, मम्मी से बचाने गए। क्या चीज से मारा है आपको? बटखारा से मारा है, उसका रॉड से ही कपड़ा भरा था, रॉड से बच गया, बटखारा से। कितना संख्या में थे लगभग? लगभग 30-35। यादव नगर गेट पे मेरा चाय नाश्ता की दुकान है, जहाँ पे जो है आज शत्रुघ्न पासवान वो आके ठेला लगाया। मेरी माँ जो है मना किया है उसको, तो आज जो है मेरी माँ को जो है गाली भी बकने लगा। वैसे मेरा भाई आ गया है, भाई जो आकर के विरोध किया है, भाई से मारपीट करने लगा है, सब मामला शांत हो गया। उसके बाद वापस घर चला गया है, घर से जाके 20-25 आदमी के साथ आया है, बड़ा सा लोहा का रॉड लेके आया है, पूरा दुकान मेरा तोड़ ताड़ दिया है, मेरे माँ पर भी हमला किया है, मेरा भाई बचाने गया है उस क्रम में मेरे भाई को ऊपर जो है रॉड से हमला किया गया है और मेरा भाई का सर फूट गया है। बट तो मेरे ऊपर भी हमला किया गया है, लेकिन हमको ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे भाई का पूरा सर फूट गया है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934
9475311। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। हरी डिस्काउंट से हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सो सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर एनएच के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वॉटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली एनएच 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम, हम हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्जवल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट सैनिक स्कूल, सुमूल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है, साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्जवल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि 8वीं पास स्नातक चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे। अब हमको बड़ी लाज लगता है बोलने में। हमारे राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार देगा और अगर नेते जी 8वां 9वां पास और वो स्नातक का उम्मीदवार तय करेंगे, अब माँ सरस्वती तो रोने लगेगी। हमारे नेता नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के होने वाले उपचुनाव को लेकर जदयू ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा को तिरहुत निर्वाचन स्नातक क्षेत्र से जदयू ने उम्मीदवार बनाया है, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर
बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आठवीं पास स्नातक चुनाव में उम्मीदवार खाक उतारेगा। ऐसे लोगों के आने से माँ सरस्वती भी रोने लगेगी। लालू यादव तो चरवाहा विद्यालय वाले हैं, हम तो इंजीनियर कॉलेज बनाते हैं। जदयू के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने कहा, हम सब की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले लोग हैं, हमें हार मंजूर नहीं है। 2002 से हम जीतते आए हैं और हमें जीतने की लत लग चुकी है। नीरज कुमार ने नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि नेताजी तो खुद आठवीं पास हैं, वो स्नातक निर्वाचन में उम्मीदवारी कैसे तय करेंगे। ऐसे लोग अगर उम्मीदवारी तय करेंगे तो माँ सरस्वती भी रोने लगेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो राजद के बारे में बोलने में भी लाज आती है। अब हमको बड़ी लाज लगता है बोलने में। हमारे राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार देगा और अगर नेते जी आठवां नौवां पास और वो स्नातक का उम्मीदवार तय करेंगे, अब माँ सरस्वती तो रोने लगेगी। अब हमारे नेता नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, वो स्नातक का उम्मीदवार बनाएंगे तो गौरव महसूस होगा कि हम किसके उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार हैं। आई ट्विटर बबुआ आठवां पास है कि नौवां पास है हम नहीं जानते हैं भाई। मैं लालू जी का बेटा ही तेजस्वी यादव आठवां पास है कि नौवां पास है हम नहीं जानते हैं। अब वो कहेगा कि स्नातक के लिए वोट दीजिए, तब माँ सरस्वती रोने लगेगी कि अरे बाबा अपने तो पढ़ा नहीं, दूसरे की पढ़लका के भी ब्लॉक बना रहा है। ये सब समझने की जरूरत है। लालू जी तो चरवाहा विद्यालय से निकला हुआ कोई ऐसा व्यक्ति निकले जिसको उम्मीदवार बनावे तो हमको खुशी होगा कि भाई चरवाहा विद्यालय जो रोल मॉडल था लालू जी का, उससे जो मैट्रिक किया, इंटर उसके बाद किया, बीए किया, क्योंकि यह मीडिया के लोग को जानना जरूरी है, 4.5 रुपया महीना पर चरवाहा विद्यालय प्रति महीना में पढ़ाया जाता था और नीतीश बाबू पढ़ा रहे हैं 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक। अब समझ लीजिए 4.5 रुपया में चरवाहा बना रहे थे, 5 रुपया महीना में इंजीनियर बना रहे हैं। कोई टक्कर नहीं रहेगा जी, कोई टक्कर नहीं रहेगा, ये सब धनिया के पेड़ नियर गल के मर जाएगा इसी तब। वहीं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार की इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मयंक कुमार मुन्ना ने कहा कि जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार को ये पता ही नहीं है कि उनके ही गठबंधन की पूर्व प्रत्याशी वीना देवी कितनी पढ़ी लिखी हैं। जदयू में पद की लालसा में वह अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। माननीय MLC हैं और नीरज जी आए बाएं इसलिए बोलते हैं कि वो चमचई की राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार को खुश करके वो इसलिए लगातार तेजस्वी जी के खिलाफ बोलते हैं कि कभी मंत्री बनना है कभी सचेतक बनना है। अगर नीरज जी MLC हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में वो सरकार में है तो सरकार को ये वो सरकार के हैसियत से बाइट देते हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि चुनाव लड़ने के लिए कोई भी ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है। इसी जिसका सबूत है कि इसी शहर में वीणा देवी जी जो शायद चौथा पास है वो MLC का चुनाव ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से लड़ चुकी है, जो उनके गठबंधन की यहाँ सांसद है। तो इस ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के चुनाव लड़ने के लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, वो पढ़े लिखे MLC हैं, उनको ये बात की जानकारी होनी चाहिए, तब तेजस्वी जी पर या किसी नेता पे आरोप लगाना चाहिए। नगर थाना क्षेत्र के अंडीगोला रोड में चोरों ने एक दुकान का वेंटिलेटर तोड़कर 25,000 की चोरी की। मुजफ्फरपुर शहर में शातिर चोरों ने रोशनदान के रास्ते दुकान में घुसकर गले में रखी 25,000 रुपए की नकदी की चोरी कर ली। दुकानदार की शिकायत पर नगर थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शनिवार की सुबह नगर थाना क्षेत्र के अंडीगोला स्थित शंभू किराना के मालिक शंभू प्रसाद गुप्ता ने जब अपनी दुकान खोली तो दुकान की हालत देखकर दंग रह गए। शुक्रवार की देर रात उनके दुकान का रोशनदान तोड़कर अज्ञात चोरों ने गल्ला से 25,000 की चोरी कर ली। शंभू प्रसाद गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार की रात 10 बजे वह अपने काम खत्म करके दुकान बंद करके अपने घर चले गए। शनिवार की सुबह जब वह दुकान पर आए तो देखा कि गले में रखी 25,000 रुपए की नकदी गायब है। इसके बाद उन्होंने नगर थाना पुलिस को चोरी की सूचना दी। 112 की टीम ने पहुंचकर चोरी की जांच की और उन्हें थाने में आकर शिकायत दर्ज करने को कहा है। दुकान के शटर खुलने के बाद पता चला आज सुबह में आज जी ताला कोई टूटा हुआ नहीं था और वेंटिलेटर का वो सब जो है टूटा हुआ है जो साइड कर दिया गया है।
अब आए हैं तो देखिए गल्ला अब पूरा पैसा कैश कितना कैश होगा वही 25,000 रुपया हो या उससे कुछ ज़्यादा कम हो सकता है। और कुछ दुकान से सामान और सामान तो मेरे अंदाज से लगभग कुछ नहीं जी। सावन माह में महादेव की प्रसाद इलायची दाना की डिमांड काफी बढ़ गई है। देवों के देव महादेव के प्रिय महा सावन में बाबा गरीबनाथ धाम में जलार्पण के लिए आने वाले शिव भक्तों के बीच प्रसाद का बड़ा ही महत्व है। सावन में भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले इलायची दाने की बिक्री सबसे अधिक होती है। बाहर से आने वाले कांवड़िया जलार्पण के बाद चूड़ा और इलायची दाना प्रसाद की जमकर खरीदारी करते हैं। इस कारण इसकी मांग सावन माह में प्रत्येक रविवार और सोमवार को अधिक होती है। इसके साथ साथ पूरे महीने मंदिर में पूजा करने वाले भक्त भी खरीदारी करते हैं। इसके लिए शहर के जोगियामठ मोहल्ले में आधा दर्जन कारखानों में इसके उत्पादन में तेजी आ गई है और इस माह में तो हर कारखाने से रोज 5 से 6 क्विंटल का कारोबार हो रहा है। फिलहाल रोज 36 क्विंटल इलायची दाना की बिक्री हो रही है। 1970 से इलायची दाना कारखाने का संचालन कर रहे नवल किशोर गुप्ता ने बताया कि इस कारोबार को उनका पूरा परिवार बीते 70 साल से कर रहा है। सावन को देखते हुए एक सप्ताह पहले से ही कारखानों में दिन रात उत्पादन किया जा रहा है। पहली सोमवारी के लिए जितनी मांग हो रही है उतनी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ से इलायची दाना मुजफ्फरपुर जिला के अलावा सीतामढ़ी दरभंगा शिवहर वैशाली समस्तीपुर मधुबनी बेतिया समेत कई जिलों में जाता है। इसे शुद्ध रूप से चीनी से तैयार किया जाता है और साफ सफाई और पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। ये सबसे अच्छे क्वालिटी का चीनी यूज किया जाता है और ये 1970 से ये काम को मेरे बाबूजी कर रहे थे और अभी हम लोग कर रहे हैं। तैयार कैसे करते हैं? तैयार जो है ये चीनी को गला के इसको रस तैयार किया जाता है, उसके बाद में इसको मशीन के द्वारा बनाया जाता है। सावन में इसकी बिक्री ज्यादा होती है? सावन के टाइम में इसकी बिक्री थोड़ा ज्यादा होती है, अंधीना में कम होती है। बाबा गरीबनाथ आने वाले कांवड़िया इसे लेके जाते हैं? बाबा भोलेनाथ या गरीबनाथ के जो यहाँ जल अर्पण करने आते हैं वो कांवड़िया इसको खरीद के प्रसाद के रूप में ले जाते हैं और वो गाँव में वितरण इसको करते हैं। कितने वर्षों से आप लोग बना रहे हैं? ये मोटा मोटी 50 साल से बन रहा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।